हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू शिक्षा गाइस। एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के पार्ट 30 के ऊपर है एंड लेक्चर शुरू करने से पहले जब भी लेक्चर अपलोड होगा सो यू विल बी इन अ न्यू ईयर, नया साल आपका शुरू होगा। देखा जाए तो दिन बदलता है दोस्तों सिर्फ, और तारीख बदलती है। ऐसा कहा जाता है कि नया साल नई उम्मीदों को लेकर के आता है, तो उन उम्मीदों को आपने कभी हारने नहीं देना। बात सिर्फ ये नहीं है कि आप आज नए साल में आए हो तो एक दिन दो दिन के लिए आप मोटिवेटेड रहो, हर दिन आपको तैयार रहना है एक लड़ाई लड़ने के लिए। और ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं होता, जो ये पूरे का पूरा नेचर है ना, ठीक है, ये नेचर ही ऐसा है कि यहाँ पर आपको किसी ना किसी वे में आपको फाइट देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि मैं गरीब हूं या मैं इस पर्टिकुलर रिलीजन का हूं या कास्ट का हूं तो मुझे फाइट देना पड़ता है। अगर मैं बात करूं जो रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट लोग होते हैं, जो सबसे ज्यादा प्रिविलेज्ड लोग होते हैं, उनको भी डेली फाइट देना पड़ता है, बस हमें पता नहीं लगता, क्योंकि उनकी फाइट हमारी फाइट से हो सकता है थोड़ी अलग हो। जो संघर्ष उन्हें करना पड़ता है वो हो सकता है कि हमारे संघर्ष से अलग हो, ठीक है। हमारे लिए जो संघर्ष होता है वो उनके लिए ईज होता है, ठीक है। सिमिलरली जो उनका संघर्ष होता है क्या आपका, वो हम समझ भी ना सकें, है ना। तो ऐसा कभी भी आप मत सोचें कि आप अनप्रिविलेज्ड हो, ठीक है। हर कोई प्रिविलेज्ड होता है, हर किसी के अपने अपने कैपेबिलिटीज होती हैं, और हर कोई उस कैपेबिलिटी के हिसाब से चैलेंजेस फेस करता है। तो चैलेंजेस से डरना नहीं है, चाहे नए साल का पहला दिन हो, दूसरा दिन हो, तीसरा दिन हो, आखिरी दिन हो, चैलेंजेस का पूरे जोरों शोरों से आपने जो है सामना करना। पार्ट 30 शुरू करेंगे, और उससे पहले आपको बता दूं ये 2000+ नॉन वीडियो एमसीक्यू कोर्स है एग्रीकल्चर का। अपडेटेड क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, सारे एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, तो जरूर इसको एक्सप्लोर करें। 50% इसके ऊपर ऑफ है। चलिए फटाफट से क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। अब 10 क्वेश्चंस हमें इस लेक्चर के अंदर कवर करने हैं, एंड स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके जी, तो 2023 के सीजन के लिए एमएसपी फॉर फेयर एवरेज क्वालिटी ऑफ माइलिंग कॉपरा, ठीक है, माइलिंग कॉपरा का एमएसपी क्या सेट किया गया है। बेसिकली ऑप्शंस हैं 10,860 पर क्विंटल, 9,860 पर क्विंटल, 11,860 पर क्विंटल, 8,860 पर क्विंटल, नन ऑफ दी अबव। ये दिसंबर के अंदर न्यूज में था। क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप एएफओ का पेपर देने का प्लान कर रहे हो, ठीक है, आपका प्रीलिम्स ऑलरेडी हो चुका है, अब बिना समय आपने बर्बाद करे मेंस की जो है वो तैयारी शुरू कर देनी है। कहीं उसके अंदर अब समय बर्बाद करने की अगर आपके मन में 1% भी है तो वो बेवकूफी है कि रिजल्ट आ जाए फिर मैं देखूंगा या देखूंगी, वो मत करिएगा। सीधा मेंस की तैयारी शुरू कीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों, तो सही आंसर है दोस्तों 10,860 रुपीज पर क्विंटल, 10,860 पर क्विंटल का इसका रेट है। इसमें तुक्केबाजी लगा नहीं सकते हो, या तो आता है या नहीं आता है। तो 270 पर क्विंटल से रेट जो है पिछले बार के मुकाबले हमने इंक्रीज किया है, और इसके ऊपर जो रिटर्न आ रहा है, रिटर्न बेसिकली हम किसके ऊपर बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। तो आप सब जानते हो कि 2018 के अंदर हमने बोला था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम 50%, यानी कि जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है टोटल का, उसका 150%। अगर किसी के 100 रुपए लग रहे हैं तो उसका 100 रुपए का 150%, यानी कि 150 रुपए तो कम से कम एमएसपी सेट करना पड़ेगा। ये टाइम एंड अगेन मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो अभी जो आपका एमएसपी सेट किया गया है ये फार्मर को 51.82% का रिटर्न देगा, 50% से ज्यादा का रिटर्न देगा, जो 2018 में हमने पॉलिसी सेट की थी उसके अकॉर्डिंग। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन अगेन उसी से रिलेटेड है। अभी हमने देखा था माइलिंग कॉपरा, अब यहां पर आता है आपका बॉल कॉपरा। बॉल कॉपरा और माइलिंग कॉपरा का अलग अलग एमएसपी अनाउंस होता है। तो बॉल कॉपरा का एमएसपी कितने पे अनाउंस हुआ है, अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन है, या तो आता है या नहीं आता है वाली चीज इसके अंदर होती है। 11,250 रुपीज पर क्विंटल, 11,750 रुपीज पर क्विंटल, यहाँ पर रुपीज पर क्विंटल नहीं लिखा है पर ये भी रुपीज पर क्विंटल के अंदर ही है। 12,750 रुपीज पर क्विंटल और 11,350 रुपीज पर क्विंटल, ऑप्शन ई, नन ऑफ दी अबव। यहाँ पर क्या सही जवाब होगा देखते हैं।
सो द राइट आंसर ओवर हियर गाइज इज ऑप्शन बी 11,750 रुपीज पर क्विंटल। और अगर आप बॉल कॉपरा में देखो पिछले बार के मुकाबले 750 रुपये पर क्विंटल का इंक्रीज देखने को मिला, और इसके अंदर जो मार्जिन है वो 64.26% का है, जो ऑब्वियसली 50% का जो हमने पॉलिसी सेट किया उससे ज्यादा ही है। थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जी। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि जो कॉपरा है अब इस पे एमएसपी अनाउंस हो गया। एमएसपी का मतलब कि सरकार प्रोक्योर करेगी अगर उससे कम दाम होंगे। तो कॉपरा के केस में जो प्राइस सपोर्ट स्कीम है या जो एमएसपी है, इस पे प्रोक्योरमेंट करने के लिए सेंट्रल नोडल एजेंसी कौन है? ठीक है, ऑप्शन ए नेफेड, बी एनसीसीएफ, सी एफसीआई, डी बोथ ए एंड बी, ई ए बी एंड सी। इनमें से प्रोक्योरमेंट करने का काम किसका है? आपके कॉपरा का। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अगर करंट अफेयर पढ़े हुए हैं, अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो डेफिनेटली ये आंसर कर सकते हो आप। यहां पर जो आपका सही जवाब होगा दोस्तों वो क्या है? ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, नेफेड और एनसीसीएफ। नेफेड आपका होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, और एनसीसीएफ हो गया आपका नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन। तो ये सेंट्रल नोडल एजेंसीज हैं जो बेसिकली प्रोक्योर करती हैं कॉपरा और डीहस्क कोकोनट को अंडर योर प्राइस सपोर्ट स्कीम। तो ये याद रखिएगा, फुल फॉर्म्स भी ध्यान में रखिएगा, फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट हैं ये वाली, वो पेपर के अंदर डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चंस आईबीपीएस एएफओ में तो बहुत पूछता है, नबार्ड में भी काफी बार पूछता है। इनमें से किसको ग्रीन स्टील भी बोला जाता है? नेपियर ग्रास, बैम्बू, सी ग्रास, शुगर केन, नन ऑफ दी अबव। ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें बच्चे तुक्का लगाते हैं, और मैं आपको बात बताऊं ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कई बार तुक्का मैक्सिमम टाइम बच्चों का तुक्का ठीक भी हो जाता है। तो अभी अगर आपने गेस किया है, जो बच्चे लेक्चर देख रहे हैं और नहीं पता था श्योरली लेकिन गेस किया है, और बैम्बू गेस, तो गेस आपका बिल्कुल सही है। इसका आंसर जो है ऑप्शन बी बैम्बू रहेगा। बैम्बू को ग्रीन स्टील भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। इनमें से कौन सा शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी है राइस का? ये पीआईबी के अंदर बेसिकली ये वेराइटीज मेंशन थी। आज के जितने भी 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 आपके पीआईबी में से हैं, स्ट्रिक्टली दिसंबर 2022 के। पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1847, PR 126, पूसा सुगंध 5, ऑल ऑफ दी अबव। तो ये चारों वेराइटीज जो हैं ये राइस की वेराइटीज हैं। आपको बताना है इनमें से शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी कौन सी है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा। जो बच्चे ने अच्छे से करंट अफेयर पढ़े हैं, पीआईबी के करंट अफेयर को अच्छे से कवर किया, वो इसको इजीली आंसर कर सकता है। लेकिन ऑल ऑफ दी अबव विल बी द राइट आंसर। देखो अब इसके अंदर क्या होता है, कई बार तुक्का चल भी जाता है, बच्चे किसी को नहीं भी पता होता है, वो ऑल ऑफ दी अबव लगा जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा हो। ठीक है, ये तो मैंने डाल दिया यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव, वो हो सकता है कि बाकी की 3 लॉन्ग ड्यूरेशन वाली दे दे और इनमें से एक डाल दे शॉर्ट ड्यूरेशन वाली। तो फिर ऐसे तुक्केबाजी करनी नहीं चाहिए ये ऑल ऑफ दी अबव और ये सब। कई बच्चे मैं देखता हूँ वो करते हैं कि हाँ यार ये इसमें सब अच्छा लग रहा है और ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन है तो चलो ये लगा दो, ऐसा नहीं होता। तो बेसिकली आपका जो ICAR है और स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं, इन्होंने मिलकर के कुछ हाई यील्डिंग शॉर्ट ड्यूरेशन बासमती राइस वेराइटीज निकाली हैं। तो एक तो ये याद रखना है कि ये बासमती राइस वेराइटीज है स्पेसिफिकली, और यील्ड भी हाई देती हैं और शॉर्ट ड्यूरेशन है। तो पूसा बासमती 1509, इसकी ड्यूरेशन 115 दिन की है। पूसा बासमती 1692, 115 दिन अगेन। पूसा बासमती 1847 की जो ड्यूरेशन है वो 125 दिन की है। उसके बाद नॉन बासमती कैटेगरी के अंदर आ जाओ। नॉन बासमती कैटेगरी के अंदर आपके एरोमेटिक राइस वेराइटीज आ जाएंगी, जो बेसिकली अरोमा अपनी स्मेल खुशबू के लिए जानी जाती हैं, लेकिन नॉन बासमती हैं। PR 126, ये 120 से 125 दिन का इसका पीरियड है। पूसा सुगंध 5 125 दिन, और पूसा 1612 120 डेज। अब देखो क्वेश्चन वो दूसरे तरीके से घुमा करके भी पूछ सकता था, वो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता था कि इनमें से कौन सा राइस का हाई यील्डिंग शॉर्ट ड्यूरेशन बासमती राइस वेराइटी है। ठीक है, बासमती राइस वेराइटी है। अब फॉर एग्जांपल उसमें वो एक ऑप्शन दे देता पूसा बासमती 1509, और फिर दे देता PR 126, पूसा सुगंध 5, पूसा 1612, BCD करके, और ई में दे देता ऑल ऑफ दी अबव।
अब अगर आप वहां पर उस वाले ट्रैप में फंस जाते कि हाँ यार ये ऑल ऑफ द अबव वाला ट्रैप अगर आप उसको ले लेते तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन गलत हो जाना था और आपका जो है नेगेटिव मार्किंग की तरफ आप चले जाते, तो ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। एंड ये जितनी भी अर्ली मेच्योरिंग वेराइटीज है 20 से 25 दिन एडवांस में ये तैयार हो जाती है, तो फार्मर को स्ट्रॉ मैनेजमेंट के लिए अच्छा टाइम मिल जाता है। अभी जो एक रीजन देते हैं पंजाब हरियाणा और यूपी के बेल्ट वाले फार्मर्स जो स्टबल बर्निंग के अंदर बेसिकली इन्वॉल्व हैं कि उनके पास टाइम नहीं होता टू प्रिपेयर फॉर द राबी क्रॉप, तो अगर वो शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज को ग्रो करेंगे राइस की, तो जो मेच्योरिटी है यानी कि जो कटिंग हो रही है राइस क्रॉप की यानी कि खारिफ क्रॉप की और जो राबी क्रॉप के बीच का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली वो स्ट्रॉ को बेटर तरीके से मैनेज कर सकेंगे, उसको जलाना नहीं पड़ेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन आ जाता है, सिक्स्थ क्वेश्चन अगेन वेराइटी से रिलेटेड है और ये भी डायरेक्टली पीआईबी के अंदर मेंशन था। क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से कौन सी वेराइटी वीट की है जो हीट रेजिस्टेंट है, ठीक है, इनमें से कौन सी वेराइटी वीट की हीट रेजिस्टेंट है। ऑप्शन ए DBW 187, बी DBW 222, ये दोनों वेराइटीज काफी ज्यादा न्यूज में रही हैं, PBW 803, ओनली ए एंड बी, एंड ऑप्शन ई नन ऑफ दी अबव, हीट रेजिस्टेंट आपको बताना है। यहां पर जो सही आंसर आपका रहेगा दैट विल बी ऑप्शन डी, ओनली ए एंड बी, तो ए और बी जो है ये दोनों आपकी वीट की हीट रेजिस्टेंट वेराइटीज हैं। ओके, अब DBW 187 और DBW 222, ये अभी रिसेंटली इनके ऊपर टेस्टिंग वगैरह चल रही थी। पहले हमारे पास एक HD 3086 भी है, ये भी हीट रेजिस्टेंट है, लेकिन DBW 187 और DBW 222 हीट रेजिस्टेंट के मामले में HD 3086 से भी बेहतर होने का जो है अंदेशा है। ये पाया गया है कि दीज आर फार मोर सुपीरियर हीट टॉलरेंस के मामले में, ठीक है, और हीट टॉलरेंस इंप्रूव होने की वजह से इन वेराइटीज के अंदर ये देखा गया है कि जो यील्ड है वो बढ़ गया है, 3.6% का यील्ड इंक्रीज देखने को मिलता है DBW 187 वेराइटी के अंदर, और अगर आप DBW 222 वेराइटी यूज करते हो तो 5.4% का यील्ड इंक्रीज है अगर आप HD 3086 के मुकाबले कंपेयर करो, तो बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। उसके अलावा एक और हमारे पास वेराइटी का जिक्र था PBW 803, जिसको पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना ने बनाया है। ये इरिगेटेड लैंड्स जहां पर आप टाइमली सोइंग कर रहे हो वहां पे अच्छी ग्रो करती है, और इसकी खास बात क्या है कि ये ब्राउन रस्ट रेजिस्टेंट है, ठीक है, और स्ट्राइप रस्ट अगर मॉडरेट लेवल के ऊपर आपका स्ट्राइप रस्ट का अटैक है तो उसको भी रेजिस्ट कर जाएगी, लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा सिवियर है तो इफेक्ट हो सकता है, लेकिन ये जो वेराइटी है ये हीट टॉलरेंट बिल्कुल भी नहीं है PBW 803, और पीछे ऑप्शन में PBW 803 आपका सी ऑप्शन था इसीलिए वो आपका गलत हो जाता है, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, अंडर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम द सब्सिडीज प्रोवाइडेड फॉर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के अंडर किस पर्टिकुलर प्रोविजन के लिए सब्सिडी देती है सरकार। ऑप्शन ए कहता है फूड प्रोसेसिंग यूनिट के कंस्ट्रक्शन के लिए, बी कहता है वेयर हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए, सी कहता है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट टर्मिनल के कंस्ट्रक्शन के लिए, डी कहता है ऑल ऑफ दी अबव और ई कहता है नन ऑफ दी अबव। एग्रीकल्चर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम का जिक्र आपको पीआईबी के अंदर बहुत बार मिल जाएगा, जब भी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात होती है ना तो चार पांच स्कीम्स ऐसी हैं वो आपको हर जगह उनका मेंशन मिलेगा बार बार, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गया, उसके अलावा जो ये अलग अलग इन्होंने फंड बना रखे हैं एनिमल हस्बेंड्री के अंदर फंड बना रखा है, ठीक है, और आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो फंड बना रखे हैं, तो ये सारे के सारे फंड आपको जिक्र इनका बार बार मिलता है और इम्पोर्टेंट है। तो मेनली एग्रीकल्चर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम जो है ये सब्सिडी किस लिए प्रोवाइड करती है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है दोस्तों, वेयर हाउस की कंस्ट्रक्शन के लिए रूरल एरियाज के अंदर ये फंड जो है या ये स्कीम जो है सब्सिडी प्रोवाइड करती है। ओके, तो बेसिकली ये एक सब स्कीम है अंडर इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ISAM जिसको आप बोलते हो, और इसमें असिस्टेंस के लिए प्रोवाइड की जाती है कंस्ट्रक्शन के लिए या रेनोवेशन के लिए अगर आप गोडाउन या वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट कर रहे हो रूरल एरियाज के अंदर, ताकि उस पर्टिकुलर स्टेट की जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके। एंड डिमांड ड्रिवन स्कीम है, डिमांड के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया जाता है,
एंड सब्सिडी 25% या 33.33% के ऊपर प्रोवाइड की जाती है कैपिटल कॉस्ट के ऊपर। वो डिपेंड करेगा बेनिफिशियरी कौन है और उस एरिया के अंदर डिमांड कैसी है, कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर ये स्केल डिपेंड करेगा। आठवें क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। अब ये एक थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2020-21 जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने कंडक्ट किया था, तो इस सर्वे के हिसाब से जो रूरल वर्कर्स हैं, जिसके अंदर आपके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स भी आ गए जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर है, वो कितना परसेंट है, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन के। ठीक है, तो बेसिकली एग्रीकल्चर के अंदर कितनी वर्कफोर्स एंगेज्ड है रूरल एरियाज में, तो वो आपको बताना है। 40.8%, 50.8%, 60.8%, 70.8% या फिर 80.8%, ये आपको मेनली इसके अंदर बताना है। तो दोस्तों यहां पर आपका क्या सही जवाब होगा, 60.8% जो है परसेंटेज ऑफ रूरल वर्कर्स है जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व है रूरल एरियाज में। नाइन्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। अगेंस्ट एक सर्वे बेस्ड क्वेश्चन है, तो देर इज अ सर्वे कॉल्ड, जिसको हम सिचुएशन असेसमेंट सर्वे बोलते हैं, एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स का रूरल एरियाज में कंडक्ट किया जाता है। तो इस सर्वे के हिसाब से ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जहां पर जो एवरेज मंथली हाउसहोल्ड इनकम है वो हाइएस्ट है। एवरेज मंथली हाउसहोल्ड इनकम हाइएस्ट किस एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड की है रूरल एरियाज में। एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड बेसिकली जहां पर जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो एग्रीकल्चर है, तो कौन से स्टेट के हाउसहोल्ड्स में जो एवरेज मंथली हाउसहोल्ड इनकम है वो हाइएस्ट है। अब ये क्वेश्चन ना मैक्सिमम बच्चों का गलत होने वाला है यहाँ पर ऑप्शंस, क्योंकि वो देख करके पंजाब, हरियाणा, मेघालय, गोवा, नन ऑफ दी अबव। आधे बच्चे कहेंगे पंजाब, आधे बच्चे कहेंगे हरियाणा, मेनली बच्चे इसमें इन दो स्टेट्स के बीच में कंफ्यूज होंगे, ठीक है। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है That will be, guys, मेघालय। मेघालय के अंदर जो एवरेज मंथली हाउसहोल्ड इनकम है एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड्स की वो है 29,348 रुपीज पर मंथ। पंजाब की अराउंड 25-26,000 के आसपास है एंड हरियाणा की 24-23 के आसपास, बट मेघालय की हाईएस्ट है, ठीक है। अब जब मैं इनकम की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर क्या आ गया, वेजेस आ गए। अगर किसी का लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, उसको उन्होंने लीज पे दे दिया, क्रॉप प्रोडक्शन से जो पैसा आया, एनिमल फार्मिंग से जो पैसा आया, ठीक है, और छोटा मोटा अगर इन एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स का कोई नॉन फार्म बिजनेस है तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। फाइनल क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन का उल्टा है। यहां पर मैं आपसे पूछ रहा हूं लोएस्ट कि कौन सी स्टेट या यूटी के अंदर लोएस्ट एवरेज मंथली हाउसहोल्ड इनकम है एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड्स की। ऑप्शन ए झारखंड, बी ओडिशा, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश, ई नन ऑफ दी अबव। अगेन जो ऑप्शंस हैं वो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है ना। तो यहां पर जो आपका सही जवाब होगा दैट विल बी ऑप्शन ए झारखंड। झारखंड में सबसे कम जो मासिक आय है वो है एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड्स की, दैट इज ओनली 4,895 रुपीज पर मंथ, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप याद रख सकते हो, और ये नबार्ड वाले बच्चों को भी काफी यूजफुल रहेगा। ऑब्जेक्टिव के अंदर तो रहेगा ही रहेगा, सब्जेक्टिव के अंदर भी कहीं ना कहीं काफी हेल्पफुल होगा। एंड विद दिस गाइस वी आर डन विद द 10 क्वेश्चंस, एंड डेफिनेटली ऐसे ही लेक्चर्स को हम लाते रहेंगे। एंड अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मन करे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।